अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक हेल्थ। मुझसे कई स्टूडेंट्स ने सवाल किया, मुझे मैसेज आए कि सर ये आजकल पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि फलानी चीज ऑर्गेनिक है फलानी ऑर्गेनिक नहीं है, तो आपके चैनल का नाम भी ऑर्गेनिक है, आपकी स्पेशलाइजेशन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो सर हमें जरा बताए कि ये ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक चीजें होती क्या है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली इस चीज पे है कि ऑर्गेनिक चीजें कौन सी होती है, और मैंने आज इस अंदाज में समझाने की कोशिश करनी है कि वो लोग जिनका ताल्लुक हमारे वो बहन भाई जिनका साइंस के साथ ताल्लुक नहीं है वो भी समझ सकें। तो याद रखें कि ऑर्गेनिक चीजें किसको कहते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ये मिसाल देता हूं कि ऑर्गेनिक इस कमरे में वो चीजें हैं, आपके रूम में खतरनाक किस्म की एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके कमरे में अगर आग लग जाए तो जो चीजें जल जाएंगी वो सारी की सारी ऑर्गेनिक होंगी और जो बच जाएंगी वो नॉन ऑर्गेनिक होंगी। ये केमिस्ट्री के हिसाब से एक फर्क बताता रहता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं वो या जिंदा होती हैं या कभी वो जिंदा थी, तो इनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। अब आप अपने घर में अपने इर्द गिर्द देखें कि जो चीजें जिंदा हैं या कभी जिंदा थी, जिस तरह लकड़ी वगैरह आपके घर में पड़ी, तो ये चीजें जो है ऑर्गेनिक है। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं जो ना पहले कभी जिंदा थी ना जिंदा चीजों से बनी है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो नॉन ऑर्गेनिक होती है। बहरहाल वो केमिस्ट्री की बातें थी, लेकिन हम जब खाने पीने और डाइट के हिसाब से कहते हैं तो ऑर्गेनिक चीजें क्या होती हैं। तो पहली बात याद रखें कि ऑर्गेनिक हम बेसिकली खाने पीने में सब्जियों के लिए या फ्रूट के लिए या दानों के लिए, उन चीजों को हम ऑर्गेनिक कहते हैं जो इंसानों के बनाए हुए खादों पर, जो इंसानों ने खादे बनाई हैं या स्प्रे वगैरह जो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं उनके बगैर उनकी ग्रोथ हुई हो। तो ऐसी फसलें, कोई भी फसल जिसको लगाते हुए और जिसको हासिल कर, यानी दाना लगाने से लेकर वापस फसल लेने तक अगर हमने उसके ऊपर कोई भी मस्नूई खाद मस्नूई स्प्रे या इस तरह के मस्नूई केमिकल्स इस्तेमाल न किए हों तो हम उनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऑर्गेनिक का उलट क्या होता है। तो ऑर्गेनिक का उलट जो होता है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब यह होता है कि हम ऐसी फसलें या ऐसे पौधे या ऐसी चीजें तैयार करते हैं जिनके अंदर जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को हर जिंदा चीज को हर पौधे को कहां से बनाया, डीएनए से बनाया है, और हम उनके डीएनए में यानी उनके जीन्स में ऐसी तब्दीलियां ले आते हैं कि अपनी पसंद की साइज लेते हैं या हम उनको बगैर किसी मौसम के पैदा कर लेते हैं। तो जो बेमौसमी चीजें होती हैं बगैर मौसम के पैदा हुई होती हैं, उनका मौसम नहीं होता लेकिन हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं कि ये नॉन ऑर्गेनिक है और ये जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। और इन चीजों में बेसिकली याद रखें कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, बाकी एग्जांपल्स जो इसकी है कॉर्न है, कॉर्न यानी मकई है, सोयाबीन है, कॉटन है, पोटैटोज है, एप्पल्स हैं, राइस हैं। ठीक है, राइस की बड़ी किस्में आजकल आई हुई हैं जो जिसमें कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ जीएमओज है, इसके अलावा गंदम की बड़ी किस्में आ रही है। अच्छा, इस तरह कुछ फ्रूट्स भी हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होते बल्कि जीएमओज होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों नॉन ऑर्गेनिक या जीएमओ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उसका जवाब यह है कि उसके कुछ फवायद हैं, यानी उन फवायद को हम मार्केट हिसाब से कैश करना चाहते होते हैं तो हम फसलों को जो है नॉन ऑर्गेनिक बनाते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम चाहते हैं कि उनका टेस्ट डिवेलप हो जाए, उनके अंदर जायका मजीद थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो जो जायका बाय नेचर होता है हम उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ बन जाता है। तो एक तो टेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए हम जीएमओ बनाते हैं। इसके अलावा हम जो है लॉन्ग सीजन यानी बगैर मौसमी के, मौसम नहीं होता और हम वो चीज पैदा करने की सलाहियत कर लेते हैं। तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर मौसम के हिसाब से जो फसलें पैदा की है, जो फ्रूट पैदा किए वो उसी मौसम के हिसाब से जिस्म को फायदा देता है। तो मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी बगैर मौसम की सब्जियां या फल ना खाएं या किसी के लिए कोई फायदा नहीं रखते बल्कि उल्टा नुकसान कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीएमओस प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, उनके अंदर एक यह खूबी होती है कि उनके अंदर बीमारियों से निपटने की सलाहियत ज्यादा होती है। यानी हमारी आम फसलें अगर बीमारियों से खराब होती है तो ये बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियात रखती है, तो उनकी कुव्वत मुदाफियात को हम अपनी तरह से बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये भी एक नेचुरल चीज है कि हम उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से वो नॉन ऑर्गेनिक बन जाती है। इसके अलावा यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिए जो एक नॉर्मल पैदावार होती है हम उसको इंक्रीज करने के लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो चीजें भी नॉन ऑर्गेनिक हो जाती है। तो ये तो वो फवायद है जिसको देख के इंसान ने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की। तो फिर उसके नुकसानात क्या है, यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी वो चीजें जो ऑर्गेनिक नहीं है उनके खाने के नुकसानात क्या है। तो सबसे पहले नुकसान ये सुन ले कि ऐसी प्रोडक्ट्स खाने से इंसान को कैंसर तक की बीमारी लग सकती है। कैंसर क्या है, कैंसर के ऊपर बड़ी बातें होती हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं, मैं भी कभी उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप सबको पता है कि कैंसर की मुख्तलिफ अकसाम है, लेकिन इससे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाले प्रोडक्ट्स यानी नॉन ऑर्गेनिक चीजें खाने से लंग्स कैंसर या ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या ट्यूमर जो होते हैं, ये कैंसर की मुख्तलिफ अकसाम जो है वो पैदा हो सकती हैं। एक और चीज कि ये जो है इंसान को रेजिस्टेंट बना देते हैं, जब आप नॉन ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं तो आप एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं। मतलब क्या है कि जब आप नॉन ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं तो आपके जिस्म में एंटीबायोटिक खाने के बाद जो बीमारियां ठीक होती हैं वो ठीक नहीं होती, आपका जिस्म अंदर से सख्त हो जाता है, आपकी कुव्वत मुदाफियात उन बीमारियों के खिलाफ क्या हो जाती है, उन एंटीबायोटिक के खिलाफ ज्यादा हो जाती है। मतलब यह कि एंटीबायोटिक खाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, इसलिए हमें नॉन ऑर्गेनिक चीजें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, बहुत से लोग सवाल करते हैं सर जो ब्रायलर चिकन वगैरह हम खाते हैं, ब्रायलर के ऊपर मैं अलग वीडियो कुछ दिन में अपलोड करने वाला हूं, ब्रायलर जो है वो ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है, ये बहुत बड़ा सवाल मुझसे किया जाता है। तो याद रखें कि ब्रायलर का गोश्त तो ठीक है कि इतनी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जितना ब्रायलर बेचारे को हमने बदनाम किया है उतनी बुरी चीज भी नहीं है, वरना पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल जो है वो अभी बैन हो चुका होता। और ब्रायलर जो है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग यानी जीई का प्रोडक्ट है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग है, जीएमओ नहीं है, नॉन ऑर्गेनिक नहीं है, वो ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। और अभी तक नॉन ऑर्गेनिक किस्म का कोई गोश्त वगैरह नहीं मिला, याद रखे ऑर्गेनिक जो गोश्त है, जो दूध है, ये चीजें अभी तक आज भी ऑर्गेनिक है। अगर आपको मिलावट से पाक दूध मिल रहा है यानी गाय भैंस का डायरेक्ट आपको दूध मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिक होता है, गाय भैंस मुर्गी बकरे भेड़ दुम्बे वगैरह का गोश्त जो होता है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और ये ब्रायलर मुर्गियां जो हैं ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर ही है। फायदा और नुकसान इसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो की मुनासबत से ये बताना चाहता था कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक यानी जीएमओ चीजों में क्या फर्क होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर कोई चीज मुझसे रह गई हो या आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। आई होप कि आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक चीजों का इंतखाब करेंगे, क्योंकि हमारी आपकी बॉडी भी अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिक बनाई है, तो ये बॉडी जो ऑर्गेनिक है इसको ऑर्गेनिक चीजों की जरूरत भी है। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ऑर्गेनिक चीजें खाएं, ऑर्गेनिक रहें, खुश रहें, हमें भी दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।